पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि एक कंप्यूटर कौन से फोर मेन टास्क्स परफॉर्म करता है। हर कंप्यूटर इनपुट इंफॉर्मेशन लेता है, इस इंफॉर्मेशन को डेटा की शक्ल में स्टोर करता है, इस पे काम करता है या इसे प्रोसेस करता है एंड इसको आउटपुट करता है। लेकिन हम जो ये डेटा या इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, ये है क्या एंड कंप्यूटर इसको किस तरह से स्टोर करता है? आजकल के कंप्यूटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं या बिजली से चलते हैं। कंप्यूटर के अंदर बहुत से छोटे तार और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं एंड हर छोटे पार्ट के अंदर या तो फिर करंट होता है और या फिर करंट नहीं होता। मतलब कि हर छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर दो अवेलेबल स्टेट्स होती हैं, या तो फिर उसके अंदर करंट होता है और या फिर उसके अंदर करंट नहीं होता। इसको हम ट्रू या फॉल्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये है कि हम इसे वन और ज़ीरो से रिप्रेजेंट करें। इन दो स्टेट्स को कहा जाता है बाइनरी। बाइनरी का मतलब सिंपली ये है कि ये दो स्टेट्स पे बेस्ड है। बाय का मतलब होता है टू, जैसे आप बाइसिकल चलाते हैं, जब आप बाइसिकल चलाते हैं तो इसके अंदर जो होते हैं वो टू व्हील्स होते हैं, तो बाय का मतलब होता है टू। कंप्यूटर्स बाइनरी सिस्टम यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि कंप्यूटर जो काम भी परफॉर्म करता है वो सिर्फ ज़ीरो एंड वन यूज़ करके करता है। सो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कोई नंबर हो या कोई टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, पिक्चर्स हो या कोई वीडियोस हो, गेम्स हो या कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर हो, ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ नंबर्स ज़ीरो एंड वन से बनाई जाती हैं।